प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। दुनिया न्यूज़ पर चलने वाला एक इंटरव्यू रियाज ठेकेदार का, जिसके अंदर उसने सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां बखेर दी, जजेस को तहस नहस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया और तमाम जजेस की इंटेग्रिटी के बारे में सवालिया निशान छोड़े। चीफ जस्टिस के बेटे के ऊपर इल्जामात लगाने के नाम के ऊपर चीफ जस्टिस को ब्लैकमेलर तक बिलवासा तौर पर कह दिया। रियाज ठेकेदार का इस इंटरव्यू पर कब्जा मुकम्मल था। आइए इसके शवाहिद के सपोर्ट में एक और क्लिप देखते हैं जो YouTube से लिया गया है। मैं कहूंगा मैं उस बंदे को मिलके आया हूँ। किसको? बाहर अल्लाह नवाज से ही मैं उस बंदे ने मिलन गया था बाहर। क्यों जी, क्या बात हो रही थी? वो भी भूल गई मैं सारी। चले कोई बात नहीं, रिलैक्स रिलैक्स, इतना अच्छा प्रोग्राम हम कर रहे हैं। You think you're getting messages? I'm also getting messages. अच्छा मैं tell him to give you a chance. बेटा ये हमारे से भाई है, आप बेटी हैं, इसके साथ हमारा बड़ा प्यार मोहब्बत का रिश्ता, खुदा की कसम हमारे खानदान का पूरा। और मेरा बेटा तो किसी साफिर के सिवाय मुबशर के अलावा उसके साथ कोई कोई थ्रू नहीं है। अच्छी बात है बहुत। मुझे क्या गिला इस बात से मुझे बताएं? All I'm saying is be professional. चले कोई बात नहीं, आप ये भी भाई है आपका, कौड़ा है लेकिन अच्छा है। अब कितनी देर लगेगी और? You deserve this today, Malik sir. You deserve it. Does he not deserve this today for doing this? अब मैं ही हाथ जोड़ता, उनके आगे भी हाथ जोड़ रहा हूँ। What? I know. We shouldn't give you more stress. I'm sorry. कितनी देर दे? आई तो ऐड ही ऐड है ना थोड़े को मैं। अध्य पे आया तो मिल दे शुरू। लालो सर। तो उसी कहने में उस बंदे ने मिल के आया। मैं तो कहूंगा बंदे को मिलने से क्या बड़ी बात है? क्या उसके पास भी डॉक्यूमेंट थे ना आपके खिलाफ? इस्लाम के खिलाफ। अच्छा, बाहर कोई आ रहा था? ले जी, मैसेजेस भी आना शुरू हो गए। क्या मुझे लाइव गया है? क्या गया है लाइव? क्या गया है? वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू दुनिया स्पेशल ट्रांसमिशन। हमारे साथ मुबशर लुकमान साहब भी मौजूद हैं। हमारे रियाज साहब का इंटरव्यू करें। आपने देखा टोन कैसे चेंज होती है जो ही कैमरा ऑन होता है। रियाज ठेकेदार इसके अंदर एक को बेटा कह रहा है, दूसरे को भाई कह रहा है, प्यार मोहब्बत के रिश्तों की बातें कर रहा है, कह रहा है मेरे बेटे का किसी और सहाफ़ी के अलावा इसके अलावा किसी और सहाफ़ी से ताल्लुक नहीं है। बड़ी बात है, इसका बेटा ज़ाहिर है बहुत अहम आदमी है। उसको पिकौड़ा भी कह रहा है, एक को कह रहा है कि ऐड तो आपको बड़े मिले होंगे, आधे पैसे मैंने दे दियो। और आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख के इतने नाजुक मौके के ऊपर एक बंदा जो पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों की धज्जियां बखेरने पर मामूर है, उसका इंटरव्यू आपको दो घंटे का मिलता है, क्या उसके अंदर ये इन्वायरमेंट होगा? रियाज ठेकेदार ने क्लियरली इस इंटरव्यू के अंदर दुनिया चैनल के तवसत नकब लगाई है। इसके अंदर एंकर्स का जो किरदार रहा है हमें उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट के जी मेज़बानों का रवैया क्या था ताकि हम उसका भी प्रोफेशनल तजिया कर पाएं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लिप। वापस आके व्हाट डू यू वांट टू आस्क स्टिल टेल मी व्हाट इज दैट यू वांट टू फोकस ऑन। यार मैं पढ़ना चाहना, मैं पढ़ सकना थे ये एंड में पूछना है आपसे। ये मैं पढ़ सकूंगा? ये दुखती रग बनी हुई आपकी। हां मैं पढ़ सकूंगा। एब्सोल्युटली, आपको टाइम ही टाइम है जनाब। अभी नहीं तो 10 बजे पढ़ देंगे, मगर वही बात है कि अभी लुकमान, यू गॉट टेल मी बिफोर वी कम ऑन एयर यार, व्हाट यू थिंकिंग, व्हाट यू वांट टू आस्क। मैं एक सेकंड, डोंट वरी, डोंट वरी। चलो जी, रोही टीवी से मैसेज आया, आपको मलिक रियाज साहब ने सिर्फ बुक का गिफ्ट ऑफर किया। ये एंड में बात करेंगे जर्नलिस्ट की, अभी नहीं छेड़ेंगे। हम दोनों आपसे कहेंगे और किसी को नहीं, मुझे तो आप साफ करें। नहीं मैं कहूंगा मुझे आप दें, आज दें, सबके सामने दें। मुझे तो घर चाहिए, विला चाहिए जो आपने हामिद को दिया। नहीं क्यों नहीं, सॉरी अब आप बताएं। मैंने बता दिया, मैंने वापस आके चीफ पे आना है और अरसलान पे आना है। आपने वापस आके क्या दो चीजें जिस पर भी फोकस करना है? मैंने मलिक रियाज पे फोकस करना। वो तो यार लुकमान अभी जब स्टार्ट होगा, जब स्टार्ट होगा तो मैं स्टार्ट मैंने शुरू करना है। आप करेंगे? नहीं नहीं, आप करेंगी चीफ जस्टिस और अरसलान, मैं करूंगा उनकी तरफ से सवालात कि आप उन पे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं।
जो भी आपने जवाब दे रहे हैं ना, मैंने कम बैक, कैन आई आस्क द क्वेश्चन फर्स्ट? हाँ हाँ, नहीं मैं आपको आपको दे दूंगा। पहले आप ये सवाल करें, डील आप हर डील में क्यों होते हैं? नहीं वो मैंने नहीं पूछा, नो इंटरेस्टेड, उन्होंने पूछ तो लिया अभी। अभी मैं दोबारा जाना चाहता हूँ ना उसमें, चले जाए चले जाए उसमें जाना चाहता हूँ और चीफ जस्टिस के पास जाना चाहता हूँ। ओके, वो ये लुकमान ही पूछेगा, वो जब उसकी बारी आएगी तब वो आपसे पूछ लेगा। उसका सवाल है ना, उसने इनिशिएट किया है, आप ही क्यों फंसते हैं हर जगह? वो मेरा सवाल नहीं, स्टार्ट अभी आपने वहाँ पर खत्म किया आपने, अभी पूछ लेते हैं फिर मेरा, मेरी बारी नहीं आई, मेरी बारी आपकी बारी नहीं आई, मैं अभी आपसे हंसता हंसता अभी आपने बिजनेस मैन का कहा है ना जी, अश्वानी था, आबद था, उसके ऊपर मैंने टाइम ही टाइम है आपके पास, यकीनन आपको बताएंगे आप क्या पूछेंगे। रियाज ठेकेदार एंकर से पूछ रहा है स्टार्ट किसको करना है, ये सवाल ऐसे ही करेंगे, मैंने चीफ जस्टिस के ऊपर जाना है, मैंने रसलान के ऊपर जाना है। रियाज ठेकेदार कह रहा है मेरी बारी नहीं आ रही है। कोई एंकर वर्थ हिज और हर सॉल्ट, अच्छा या बुरा, छोटे या बड़े चैनल के अंदर इतने ओपन अंदाज से किसी भी गेस्ट से, और ये आम गेस्ट नहीं है, पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन मोड़ के ऊपर ये शख्स पाकिस्तान के इदारों की तबाही पर मामूर है, उसके सामने आप तमाम सवाल रख रहे हैं, उसके सजेशंस भी ले रहे हैं। वो कह रहा है कि शुरू में मैं स्टार्ट करूंगा, वो स्टार्ट भी खुद करना चाहता है, कम्प्लीटली काम अबाउट इट। स्टूडियो के अंदर आप यकीन माने लड़ाई हो जाती है कि जब गेस्ट सजेस्ट भी करने की कोशिश करे, कैसे कह सकता है कि मेरी बारी नहीं आई है, और लिख के आपके सामने रख सकता है, देन यू डिसाइड कि आपके पास कितना वक्त आना चाहिए, बट यू आर इन कमांड ऑफ द सिचुएशन। कोई ऐसा प्रोफेशनल इंटरव्यू नहीं होता जिसके अंदर बताया जा रहा हो कि आपको मुकम्मल टाइम मिलेगा और आपने ये भी पूछना है और उस तरफ जाना है या नहीं जाना है। चीफ जस्टिस और अरसलान के ऊपर रियाज ठेकेदार का फोकस ज़्यादा था। ज़रा देखते हैं दूसरा क्लिप, पता चलता है कि मेज़बानों का रवैया क्या था इसमें। Chief Justice preempted you and he called us Suomoto. What's your take on that after a break? Take a break. Excellent. Dekho na, phone nahi ja rahe hain andar. Tusi dasso kaisa ja rahe hain? Mainu ki pata ji. Magar mere in dono pe bhi sawal hai. Idhar se nahi aage badh rahe yaar. Abhi Arsalan ne sawar par maine rehna hai. मैंने भी आना है अरसलान पे, मगर इनका सवाल बड़ा अच्छा है, इस पे आप आके शुरू करें जरा। क्या क्या इन्होंने कहा है कि आपने प्रीएम्प्ट किया है? वो क्यों ले, मैं कहना है यानी तुसी घेरा पान लगे से होना देते ते सीजे ने ताड़ी ब्लफ कॉल कर ली, उन्हें पहले करता Suomoto। जियो टीवी इस क्लिप दिखा रहे हैं कि आपके एक दिन जियो के साथ के कि जिसमें आप कह रहे हैं मैं हर फाइलों के नीचे पहिए लगा देता हूँ, मैं ये नहीं रिश्वतें दे के कराता हूँ काम। मेरे पास भी कुछ क्लिप्स हैं, मगर वो ये अमल भी तो प्रोग्राम चल रहा होना है, वो साढ़े खिलाफ है ना। क्यों चलिए बिला तुसी उन्हों देता है तो खिलाफ हो गया, या के आखिरी सेगमेंट है देन वी स्टार्ट एट 10 ये 9 बजे के वजन वाले हैं। Have a short discussion for closing of what he'll do in 10 o'clock, okay? People want him to speak more. क्यों? नहीं ये बिल्कुल हम लोग खाना खाएंगे और मियां आमिर साहब ने भी कहा हम लाइव जाएंगे, बस रिकॉर्डिंग पे कट शट ना हो जाए कुछ, लाइव ओनली ये मलिक रियाज साहब की भी डिमांड है। हक भी है आपके, मियां के साथ कब करूं? मेरे साथ तो अकेले कर लें, करूंगा ना, दिस डजंट काउंट, वो ब्लास्ट तो करेंगे ये दुनिया की, एक ब्लास्ट आपको भाई भाई ये मेरी भी नहीं है, एक ब्लास्ट ये मेरे साथ, ये एक्चुअली मेरा था जो मलिक साहब ने गंद किया। चले दोनों आप मुझे माफ कर दें, दोनों मुझे माफ कर दें, मलिक साहब ने किया, दोनों मुझे माफ कर दें, आपका तो नहीं कह रहा मैं तो उनका कह रहा हूँ, दोनों मुझे माफ कर दें, मतलब ये मेरा था, दोनों मुझे माफ कर कैसे दी थी मुझे बताएं, दोनों मुझे माफ कर दे, जुबान कैसे दी थी, दोनों मुझे माफ कर दे। अल्लाह ताला कहता है हर बंदे के मुंह में एक ही जुबान होनी चाहिए और वो उसकी अपनी होनी चाहिए। मैं तो उनको एम्बैरेस ही नहीं करना चाह रही थी, आप कह रहे हैं मेरा, मैं कहती हूँ मेरा। ये कितनी देर की ब्रेक है? वो हो गए हैं बता रहे हैं अभी बता रहे हैं आपसे, कितनी देर की ब्रेक है, डोंट टॉक अबाउट दिस एनीमोर। अब जरा पांच मिनट मुझे भी, मेरे भी जज्बात है, मैंने अल्लाह मैं बोली कब हूँ, मैं कितना बैठी सारों को कुरान उठवाएं, सारों को कौन बोला है ज्यादा, सबसे बताओ, बताएं कुरान उठा के बताएं भी, कुरान उठाने की रिवायत नहीं, छोड़ दें ये बताएं कौन बोला है,
कोई बराबर कोई बराबर नहीं जा रहे यार झूठे आदमी तो बाहर निकली। अच्छा आखिरी सेगमेंट में बोलना फिर मैं दूसरे के अंदर हाथ पूरा कर लूंगी अपना। लेट्स टेक अ ब्रेक है नाज़िम, ब्रेक के बाद इसमें जो कुछ कहा गया वो आपके सामने रखेंगे। डॉन की ट्रांसमिशन मुल्क भर में इंटरप्ट की जा रही है, करते रहें। इन क्लिप्स का जो असर होना था वो तो हो गया, आज नहीं तो कल, ट्रूथ ने तो सामने आ ही जाना होता है। आप करते रहें ट्रांसमिशन को इंटरप्ट, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।